झारखंड के धनबाद में प्रैक्टिस के दौरान एक फुटबॉल कोच की आकाशीय बिजली गिरने से जान चली गई। अचानक मैदान में बेहोश होने पर आनन फानन में कोच को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें पीएमसीएच ले जाने की सलाह दी गई। यहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह प्रशिक्षु फुटबॉलर ने बताया कि कोच अभिजीत गांगुली उर्फ सोनू दा प्रैक्टिस करवा रहे थे, इसी बीच तेज हवा के साथ आसमानी बिजली चमकी और सभी खिलाड़ी जमीन पर लेट गए। थोड़ी देर के लिए पूरे मैदान में अंधेरा छा गया। जब सभी उठे तो देखा कि कोच गिरे पड़े हुए थे, उनका पूरा शरीर झुलसा हुआ था। शनिवार को सुबह से ही धनबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। प्रशिक्षु फुटबॉलर संजय ने बताया कि रोज की तरह शनिवार को भी फुटबॉल खिलाड़ी धनबाद सदर थाना क्षेत्र स्थित बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जुटे हुए थे। अभिजीत गांगुली भी वहां मौजूद थे। अभिजीत दा इन ने सभी खिलाड़ियों को वार्म अप होने को कहा था, तभी आसमान में बादल छाने लगे। अचानक बिजली कड़कने पर सभी खिलाड़ी तुरंत जमीन पर लेट गए। जब कुछ समय बाद सभी खिलाड़ी वापस उठे तो उन्होंने कोच अभिजीत दा को जमीन पर गिरा पाया। वो बुरी तरह से झुलस चुके थे। संजय ने बताया कि हम तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए असरफी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी हालत को देख वहां के डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें पीएमसीएच धनबाद ले जाने की सलाह दी। खिलाड़ियों ने अपने गुरु को पीएमसीएच ले जाने के लिए वहां एम्बुलेंस खोजी, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस तो खड़ी मिली लेकिन उसका ड्राइवर नदारद था। इसके बाद अभिजीत दा के सिर से बिना समय गवाए उन्हें अपनी स्कूटी से ही पीएमसीएच लेकर पहुंचे, लेकिन वो बच नहीं सके।